आज नए साल का दूसरा दिन है 2 जनवरी 2023, और इस दिन बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पड़ोसी माननीय सिया सरन ठाकुर जी नहीं रहे हमारे बीच, और उन्हीं को अंतिम श्रद्धांजलि देने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हुए हैं। एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है स्कूल के पास, तो उस बड़े कार्यक्रम के लिए छोटी सी कुर्बानी दी जा रही है। इसमें गेहूं लगा हुआ था और गेहूं के फसल को अब कुरेड़ किया जा रहा है, इस खेत को बराबर किया जा रहा है। और जो किसान ने मेहनत किया था, जो किसान ने इसमें गेहूं लगाया था, जो मेहनत किए थे, उसको उचित मुआवजा दे दिया गया है। तो उसे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आने वाले 13 तारीख को यानी 13 जनवरी को बगल में एक कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम इसी खेत में होगा, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार आने वाले हैं, और भी बहुत सारे मंत्रीगण आने वाले हैं, विधायक आने वाले हैं, सांसद आने वाला है। एक्चुअली श्राद्ध कार्यक्रम है, और श्राद्ध कार्यक्रम में है नालंदा के एक नामी ग्रामी नेता थे, जिनका नाम था, प्रतिष्ठा था अपनी बातों के लिए। उनको पद का कोई लोभ नहीं था, लेकिन जिला जदयू के अध्यक्ष थे सिया सरन ठाकुर, उन्हीं का श्राद्ध कार्यक्रम है। 2 जनवरी को उनका इंतकाल हो गया था अचानक। उनकी तबीयत बहुत खराब भी नहीं थी, तबीयत खराब नहीं थी ना, एज फैक्टर था, बस भगवान का ही शायद पूजा कर रहे थे और उनके श्री चरणों में चले गए। तो उन्हीं के उस दिन भी, जिस दिन उनका देहांत हुआ, उस दिन भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे, और 13 जनवरी को भी आएंगे। तो इसलिए उसकी तैयारी हो रही है जोरों शोरों से, सभी लोग लगे हुए हैं। ये 12 जनवरी की रात है, हम अभी देव इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल कैंपस से आपको दिखा रहे हैं बाहर निकल के कि क्या क्या हो रहा है श्राद्ध कार्यक्रम की तैयारी में। ये देखिए, सामने एक बहुत बड़ा पंडाल बन रहा है, जिसमें आम जन, सामान्य जन, जो आस पड़ोस के हैं, बाजार के लोग हैं, और भी जो आगंतुक गण होंगे, उनके लिए खाने का अरेंजमेंट होगा इस पंडाल में। इंद्रधनुष पंडाल बन रहा है, और इधर दाएं साइड हमारे चलते हैं आपको लेकर। चलिए चलिए, इधर है क्या क्या अरेंजमेंट, धीरे धीरे आपको दिखा रहे हैं। इस गली में हलवाई रहेगा, अंदर जगह है, हलवाई खाना बनाएगी इस तरफ, और इधर एक और पंडाल है छोटा सा, छोटा नहीं है, अभी अच्छा बड़ा ही है। हाँ, ये इस पंडाल में VIP लोग खाना खाएंगे, विधायक मंत्रीगण जो हैं उन लोग का खाने का अरेंजमेंट होगा। और ये तो आप देख लीजिए, जन सामान्य के लिए पंडाल होगा। सामने संत मैरिज, उसमें गाड़ियाँ लगेंगी, उसके बगल में एक और स्कूल है आर्यन वर्ल्ड, उसमें भी गाड़ियाँ लगेंगी, यानी इसमें पार्किंग का व्यवस्था होगा। अभी काम लगा हुआ है इस ठंड में, बहुत ठंड है आज, 7 डिग्री 8 डिग्री टेम्परेचर है। मजदूर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था कल तक कंप्लीट हो जाना है। और अब चलते हैं स्कूल, और ये माननीय मुख्यमंत्री के लिए VIP और VVIP के लिए टॉयलेट बन रहा है, गाड़ियाँ कल हट जाएगी स्कूल से। अब देखिए, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी बैठेंगे। वी आर प्रिपेयरिंग टी फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, और तो लगे हुए हैं, बस चाय कंप्लीट होने वाला है। यान को नींद आ रहा है। प्रोटोकॉल के तहत अंदर कैंपस में किसी को अलाउड नहीं है, और नज़दीक तो कोई जा नहीं सकता है। हमारा नाम है कि स्कूल कैंपस में हम रह सकते हैं, और वाइफ का नाम है, बाकी और किसी का नाम है नहीं। अब जो भी देख रहे हैं वो मंत्रीगण और विधायकगण ही हैं, तो लोगों के यहाँ एक मंत्री या एक विधायक आता है तो बहुत खुश होते हैं। हमारे यहाँ आज मुख्यमंत्री आए हुए हैं, तो मोस्ट वेलकम। अब वो जा रहे हैं, चाय पी लिए, चाय हमारे किचन का बना हुआ पिए। ये हमारा सौभाग्य रहा कि हमारे मुख्यमंत्री साहब हमारे विद्यालय कैंपस में रुके और हमारे घर का बना हुआ चाय पिए। वो सामने श्रुति है, वही चाय बना के पिलाई है। ठाकुर जी बहुत ही महान व्यक्तित्व के इंसान थे, इसी कारण इनका आयोजन इतना सफल रहा, श्राद्ध का आयोजन। और मुख्यमंत्री साहब दो बार आए, एक तो जिस दिन उनका देहांत हुआ था, और आज ब्रह्मभोज में भी उनका कार्यक्रम बना हुआ था। और बहुत सारे नेता, मंत्री, विधायक आए, कल उपेंद्र कुशवाहा आए थे, मतलब 12 तारीख को, आज 13 जनवरी को कार्यक्रम हुआ है, वीडियो आप 14 जनवरी को देखेंगे। और उनसे पर्सनली भी हमारी बहुत सारी बातचीत है, ठाकुर जी से उन बातों को कभी हम शेयर करेंगे, क्या उनका विचार था
आज की राजनीति के बारे में। खैर आयोजन बहुत अच्छा रहा, मुख्यमंत्री जी भी आए और भी बहुत लोगों का आगमन हुआ। हमारे विद्यालय कैंपस में बैठे, चाय पिया मुख्यमंत्री साहब ने, और ज़्यादा समय तो रहता नहीं है मुख्यमंत्री जी के पास, तो बस फिर चले गए। और लगभग 5,000 लोग का गैदरिंग रहा यहाँ पे, खाना खाया गया, 5,000 लोगों के लोग खाना खाए उनके श्राद्ध में। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।